एलिकेंट रेलवे स्टेशन को देखिए कितना साफ सुथरा रखा गया। सामने हमारी ट्रेन आ चुकी है चेतक एक्सप्रेस, अभी ट्रेन के अंदर है और ट्रेन एकदम टाइम पे चलती है। सामने आप देख रहे हैं कैसे भजन चलते हुए जा रहे हैं, कितना अच्छा है। रिंगस जंक्शन पीछे आप देख रहे हैं, रिंगस के बाद आपको ये ट्रेन खाली मिलेगा। भीड़ से यहाँ पहुँच गए। सभी को मेरा नमस्कार, बचपन से ट्रेवल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के अजमेर शहर में, अभी मैं हूँ राजस्थान का फेमस दरगाह। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से उसका एंट्री गेट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप अजमेर कम से कम बजट में कैसे आ सकते हैं और अजमेर के जो फेमस प्लेसेस है उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, शाम के 7 बजने वाले आज का सफर हमारा यहीं से होने वाला है। ट्रेन की बात करूँ तो चेतक एक्सप्रेस ये दिल्ली सराय रोहिला से बन के चलती है। यहाँ इसकी टाइमिंग है 7:50 की, 7:52 पे यहाँ से चल देगी और अजमेर हमें पहुँचेगी रात के 2 बजे के अराउंड। इसमें ना आपको सभी क्लास मिलेगा, जैसे स्लीपर मिलेगा, जर्नल मिलेगा, एसी तक मिलेगा। आप अपने बजट अनुसार चले, हमारा काम क्या है लो बजट में ट्रैवल करना। बात तो सही है तो हमारा जो है सफर वो जर्नल कोच में होने वाला है। चलते हैं स्टेशन के अंदर, प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई जर्नल टिकट काउंटर सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से आप जर्नल टिकट लेंगे। इंक्वायरी के लिए आप यहाँ से पता करेंगे और यहीं से चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को देखिए कितना साफ सुथरा रखा गया। चारों तरफ आप देखेंगे कितनी साफ सफाई रखी है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही स्टेशन को साफ रखने में इंडियन रेलवे का सहयोग दें। स्टेशन पे आप जल्दी आते हैं तो यहाँ पे आपको वेटिंग हॉल की फैसिलिटी मिल जाएगी। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं। वॉशरूम अगर अभी बना रखा है काफ़ी अच्छा, ठीक है, आप आराम से यहाँ वेट कर सकते हैं। अभी प्लेटफॉर्म 1 पे हूँ और यहीं से हमारी ट्रेन जो है जाएगी। जब भी हमारा सफ़र राजस्थान की ओर होता है ना तो आप तो जानते हैं ये रूट राजस्थान के लिए ही बना है, ज्यादा ट्रेनें यहीं से जाती है। अच्छा, राजस्थान की ओर जब तक ट्रेन नहीं आती ना, बात करते हैं आपसे रूट की। देखिए यहाँ से चल के गुड़गांव, पटौदी, रेवाड़ी, उसके बाद नरनौल, फिर नीम का थाना, ये रिंकस भी जाएगी, फिर फुलेरा, किशनगढ़ के रास्ते होते हुए ये अजमेर हमें 2 बजे के आसपास पहुंचाएगी। यहाँ पे आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। सामने आप देख रहे हैं चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट, जो चाहे आप वो ले सकते हैं। पेटीज वगैरह भी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है। 1 4 7 2 8 from Delhi to Sri Ganga Nagar has arrived on platform number. अभी आप देख रहे हैं सामने हमारी ट्रेन आ चुकी है चेतक एक्सप्रेस। जनरल कोच आपको आगे मिलेंगे और पीछे भी मिलेंगे, आप अपने कंफर्ट अनुसार बैठ सकते हैं। तो चलते हैं ट्रेन में। चेतक एक्सप्रेस के जनरल का हाल देखिए कितना खाली, आप आराम से आपको सीट मिलेगी। देखिए इस तरफ भी आप देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, आपको आराम से इसमें सीट मिलेगी, आप आराम से जाएंगे, भीड़ इतना नहीं है। ट्रेन एकदम टाइम पे चलती है, 7:52 पे चलती है यहाँ से। अब अगला स्टॉप गुड़गांव है, उसके बाद पटौदी, फिर रेवाड़ी, सीधा आपसे रिंगस मिलते हैं। बाकी ट्रेन का हाल आप देख सकते हैं, जनरल कोच कितना खाली है, आपको सीट आराम से मिलेगी। भीड़ कभी कभार होती है जैसे सैटरडे, फ्राइडे या संडे के टाइम। आप देखिए कितनी भीड़ हो गई गुड़गांव पे, सबके सब खाटू प्रेमी है। सामने आप देख रहे हैं ये सभी खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, रिंगस जंक्शन उतरेंगे। सामने आप देख रहे हैं कैसे भजन चलते हुए जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है और बाबा का गाना चल रहा है, जय श्री श्याम। ऑन टाइम 11:13 पे हम पहुंचे हैं रिंगस जंक्शन। पीछे आप देख रहे हैं सभी के सभी खाटू श्याम के भक्त यहां पर देखिए कितनी मात्रा में दर्शन के लिए आए हैं, तो बोलो जय श्री श्याम। यहां से खाटू श्याम की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की रह जाती। वैसे हमने रिसेंटली यात्रा की थी खाटू श्याम पे, हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा ना तो हम आई बटन पर सेट कर देंगे, आप जरूर जाके देखिएगा। बाकी ये जंक्शन पॉइंट भी है और यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकेगी, तो चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर। बाकी एक बार जय श्री श्याम जरूर बोल दें। रिंगस के बाद आपको ये ट्रेन खाली मिलेगा, भीड़ सिर्फ आपको रिंगस तक देखने को मिलेगा। अगर मैं टिकट की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन से जाएंगे जनरल क्लास से तो आपको देने होंगे 145 रुपये, अगर आप वहीं स्लीपर से जाएंगे तो आपको देने होंगे
265 रुपये, एसी का पड़ जाएगा आपको 680 का। वैसे ये ट्रेन बेस्ट है उदयपुर के लिए, अजमेर के लिए और रिंगस जंक्शन के लिए। अगर आप इस ट्रेन से नहीं जाना चाहते अजमेर, तो आप योगा एक्सप्रेस से जा सकते हैं, आश्रम से जा सकते हैं। साथ ही आपको पोरबंदर एक्सप्रेस भी मिलेगी और जनशताब्दी, चार ट्रेनें और भी हैं, तो आप उससे भी जा सकते हैं। वैसे तो ये ट्रेन बेस्ट है मेरे लिए, आप सभी के लिए भी बेस्ट है। तो मिलते हैं अब आपसे फुलेरा जंक्शन पे। रात के अभी 12:18 हो रहे और हम पहुंचे फुलेरा जंक्शन। पीछे आप देख रहे हैं, ये फुलेरा जंक्शन है राजस्थान में। इसके बाद आएगा किशनगढ़, फिर सीधा अजमेर। तो आपसे सीधा अजमेर मिलते हैं। फाइनली 2 बजे के अराउंड हम यहाँ पहुँच गए अजमेर जंक्शन। इतनी खुशी मुझे। टोटल घंटे की बात करूँ तो 6 घंटा लगा, और किलोमीटर की बात करूँ 373 किलोमीटर का सफ़र हमने किया। और अगर मैं सफ़र की बात करूँ ना, जनरल क्लास में सफ़र बहुत अच्छा रहा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा जब भी आप जनरल से सफ़र करेंगे, लेकिन जनरल से सफ़र करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है आम लोग कैसे कितनी सारी दिक्कतों का सामना करके एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसी टाइम दिक्कत लगती है जब आप डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं ना, तब बड़ा ही अच्छा लगता है। इस वीडियो में आपने देखा कि दिल्ली टू अजमेर लो बजट में कैसे आएंगे, मात्र 145 रुपये लगा। और सफ़र की बात करूँ, सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पे बस की सर्विस भी है, जैसे रोडवेज या वोल्वो वगैरह बस। अगर आप दिल्ली से ना होकर किसी और रास्ते से आते हैं ना, तो भी आपको ट्रेन और बस दोनों ही सर्विस मिल जाएगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अजमेर को लो बजट में कैसे एक्सप्लोर करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी ना तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद। ये तो